Good morning, students. Welcome to BBVN online classes. Today I'm going to start with a new exercise, that is exercise number 7.3. Okay. See the question number third. जो first और second question है वो simple fraction वाला है. Means आपको ये जैसे suppose that ये question दे रखा है, तो उसको बोला है कि इसकी ये shaded question है, तो इसकी fractions लिखिए. तो आपको मैंने ये already करवा चुकी हूँ. तो one shaded question है और ये दो है, तो that is 1/2. तो वो सिंपल वाले क्वेश्चन जो हमने 7.1 और 7.2 में पढ़े हैं, तो 7.3 का इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करवा रही हूँ. यहाँ क्या रिप्लेस बाय द करेक्ट नंबर. ठीक है, इसमें आपको रिप्लेस करना है कि यहाँ पे करेक्ट नंबर कौन सा आएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, रिप्लेस बाय द करेक्ट नंबर. ये करने के लिए यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा. ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस करना है. और ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज दैट यहाँ पे मैं एक्स ले लेती हूँ. अगर मैंने यहाँ पे x ले लिया, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर तो मुझे नहीं पता कि क्या आएगा, तो मैं इसको बट इतना पता है कि ये इसके क्या है, इक्वल है. तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देखो मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई ये वाला नंबर, मिसिंग नंबर ढूंढने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × x हो जाएगा. और ये इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ इक्वल टू का आएगा. अब इसको इससे करेंगे तो ये कितना होगा, 8 × 7 हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो x है मिसिंग, इसका वैल्यू निकालनी. अब ये जो x है एज इट इज रहने दीजिए, तो ये कितना हुआ, 8 × 7, एंड क्योंकि 8 × 7 = 56 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये कितने आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, अब ये काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो ये कितना हो गया, 7 × 4 = 28. तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, आपका 28 होगा. ओके, अब यहाँ पे आप इसको मिसिंग नंबर भरना है तो आप यहाँ पे भर सकते हो, दैट इज 28. ये इसके इक्वल है, जब इसको कैंसिल करोगे तो ये भी क्या आएगा, 2/7 ही आएगा. अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे है ये बॉक्स, अब यहाँ पे ले लो एक्स ले लो, सेम प्रोसीजर सेम ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई. इसको इससे करें, दैट इज 3 × 20. अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, दैट इज 5 × x. अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, x को एज इट इज रहने दीजिए. ये कितना है, 3 × 20. अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है कि 60/5, तब भी लिख सकते हो. अगर इजी कैलकुलेशन है, क्योंकि तो कैंसिल ही होना है. ठीक है, तो आप ये सीधा भी डिनोमिनेटर लेके फिर भी कैंसिल कर सकते हो. 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो 4 × 3 = 12. एक्स की वैल्यू कितनी आई, 12. ये जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 12 आएगा. ओके, अब नेक्स्ट देखिए, कहते क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद. अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है इसकी, जिसका न्यूमिरेटर तो 9 है. दो क्वेश्चन दो पार्ट में है, न्यूमिरेटर दे रखा है एक में 9 और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, आपको 4 दे रखा है. तो वो करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए, फ्रैक्शन निकालने के लिए, ये 36/48 है. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर. इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. अब ए पार्ट में न्यूमिरेटर दे रखा है 9, तो मैं यहाँ पे न्यूमिरेटर को क्या लिख दूंगी, 9. अब मुझे डिनोमिनेटर निकालना है, तो डिनोमिनेटर तो हमारे पास नहीं है. ठीक है, अभी जस्ट क्वेश्चंस करें इस टाइप के, जब हमें निकालना होता है तो क्या करते हैं, अब इसको सपोज दैट इसको एक्स ले लो. आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, मैं एक्स ले रही हूँ, आप वाई ले लो, जेड ले लो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, क्योंकि हमें तो सिंपल वैल्यू ही निकालनी है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया, 36 × x, और ये कितना हो गया, 9 × 48 हो गया. अब इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स वैल्यूज रहने दीजिए, 9 × 48, और ये जो 36 है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ठीक है, 9 × 9, 9 × 4 = 36 होता है. अब ये 4 को इससे कैंसिल कर दीजिए, 4 × 4, 4 × 2 = 4, और 4 × 2 = 8, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12. अगर यहाँ पे 12 वैल्यू रखी जाती है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाती है. अब इसका बी पार्ट देखिए, अब क्या है, अब क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है. पहले न्यूमिरेटर दे रखा, आपको पहले न्यूमिरेटर दे रखा था, तो डिनोमिनेटर ढूंढना था. अब क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है, तो न्यूमिरेटर ढूंढना है. तो वो करने के लिए ये कितना हुआ, 36/48 इज इक्वल्स टू यहाँ पे, अब यहाँ पे ढूंढना है नंबर कौन सा होगा, इसको ले लीजिए, चलो y ले लो. अब यहाँ पे क्या है, 4 है, सेम प्रोसीजर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया आपका, 36 × 4 इज इक्वल्स टू y × 48. कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करके लिख के फिर डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो अगर नहीं भी मल्टीप्लाई करना फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो आपस में डिनोमिनेटर में नीचे आके
कैंसल ही होता है। जैसे 36 इंटू 4 मैं एज इट इज ही लिख रही हूँ और 48 को यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। अब कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, तो ये कितना हो गया, y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई इसकी, ठीक है। तो ये आपका इस हिसाब से यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3, ठीक है। अब इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो गए। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। कहता है कि आपको ये बताना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। सिंपल करने के, आप करने के लिए क्या करोगे, 3 × 50, ठीक है, इस 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया आपके पास, 150 हो गया। अब 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 10, तो ये कितना हुआ, 120 हो गया। तो 150 इज नॉट इक्वल टू 120, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो द फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट, ओके। अब इसका दूसरा भी तरीका है, इसको काट के भी कर सकते हो, जैसे 3/10 है और ये कितना है, 12/50, तो आपको काटना है 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। अब ये कितना हो गया आपका, 6/25 हो गया ना यहाँ पे, तो ये 3/10 है, तो इसलिए इक्विवेलेंट नहीं है। सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, वो ज्यादा सही लगेगा। अब यहाँ पे कितना है, रमेश हैड 20 पेंसिल्स, ओके, रमेश के पास 20 पेंसिल्स हैं, शीलू के पास 50 पेंसिल्स हैं और जमाल हैज 80 पेंसिल्स, ओके। पहले तो इनके बताए कि कितनी कितनी पेंसिल्स हैं, ठीक है, ठीके? तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ पेंसिल्स, पहले लिख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल्स, पहले लिख लो रमेश के पास कितने हैं, रमेश के पास कितनी है आपके पास, उसके पास, रमेश के पास है 20 पेंसिल्स है, ओके। और उसके बाद आपको कितना निकालना, किसकी, शीलू के पास है 50, शीलू उसके पास है 50 पेंसिल्स है, यहाँ पे लिखे 20 पेंसिल्स और यहाँ पे कितना है, 50 पेंसिल्स है, और उसके पास जमाल के पास है 80 पेंसिल, जमाल तो उसके पास है 80 पेंसिल्स है, ओके। अभी उसने ये कहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स, आफ्टर 4 मंथ की बात कर रहा है, 4 महीने के बाद, तो आप लिखिए आफ्टर 4 मंथ्स के बाद रमेश के पास कितनी पेंसिल्स रह जाती हैं आपके पास, रमेश के पास रह जा, आफ्टर 4 मंथ्स रमेश यूज्ड अप, ठीक है, आफ्टर रमेश यूज्ड अप, यहाँ पे लिख दीजिए कितनी पेंसिल्स, रमेश यूज 10 पेंसिल, उसने 10 पेंसिल्स को यूज कर लिया। उसके बाद शीलू ने कितना करा, 25 पेंसिल्स, और शीलू ने 25 पेंसिल्स, ओके। और उसके पास जमाल ने कितनी पेंसिल को यूज करा है, 40, जमाल उसने कर दिया 40 पेंसिल्स को यूज कर लिया, ठीक है। अब उसने ये बताया है, लास्ट में ये बोला है 40 पेंसिल, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। अब इनकी, इन्होंने जितनी पेंसिल्स, टोटल पेंसिल्स है और कितनी यूज कर ली, उनकी फ्रैक्शंस निकालनी है, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शंस निकालने के लिए अब रमेश की निकालेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन, सबसे पहले रमेश, तो रमेश ने तो कितनी यूज करी है, 10 यूज करी है और टोटल कितनी थी उसके पास, 20, तो ये कितना आया, 10/20, इट मीन्स दैट 1/2, ओके। अब किसकी बात करेंगे, शीलू की, अब शीलू की बात करें तो उसके पास टोटल कितनी थी, उसके पास टोटल पेंसिल्स थी 50 और उसने कितनी यूज करी, 25, तो ये 25/50 हो गया, 25 × 50, तो ये कितना हुआ, 1/2। अब जमाल की बात करें तो ये कितना हो गया आपके पास, अब उसने टोटल पेंसिल्स 80 थी बट यूज कितनी करी, 40, तो यार कितना आया, 40/80, ओके। तो ये कितना हो गया, 4 1 4, 4 2 8। आपने इसमें क्या देखा है कि अगर तीनों की फ्रैक्शंस करें तो वो क्या आ रही, इक्वल आ रही। तो उसने ये कहा कि इफ ईच हैड यूज्ड अप एंड इक्वल फ्रैक्शन ऑफ, उसने ये बताया कि बताइए कि इनकी इक्वल फ्रैक्शन है या नहीं है, तो आप ये लिख लीजिए, यस ईच हैज इक्वल फ्रैक्शंस, ठीक है, इक्वल फ्रैक्शन, क्योंकि तीनों की फ्रैक्शन कितनी आई है, 1/2, 1/2 एंड 1/2, ठीक है। ये तो एक्सरसाइज 7.3 आपकी खत्म होती है, तो आपको ये जो है ये एक्सरसाइज है ये आपको फेयर कॉपी में करनी है।